कंडीशन है जिसमें बच्चा जो है अगर समय से बैठता नहीं है, गड़बड़ नहीं लेता, खड़ा नहीं हो पाता, और उसके लिए हमें जो भी थेरेपी हो सकती है वो तत्काल प्रदान करवानी चाहिए। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बड़ी अच्छी थेरेपी, फिजियोथेरेपी रूम सामने दिख रहा है, और म्यूजिक थेरेपी के बारे में दिवाकर जी ने बहुत सारी बातें बताई। तो यही जो इसकी थेरेपी होती है, जो सेरेब्रल पाल्सी है, इसकी थेरेपी में फिजियोथेरेपी में और स्पीच थेरेपी, तो वो यहाँ पर सुनाई है, तो अच्छी बात है। और ये जो आज का दिन मनाया जाता है, दिन मनाने का कुछ कारण होता है, तो कारण आज का ये है कि ये जो बच्चे हैं जो इतने कठिन संघर्ष के बाद भी एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं, उनका साथ देना, तो उनका साथ देने के लिए सबको आगे लाना, सोसाइटी को आगे लाना, और जो उनका अपना समुदाय है उसको भी आगे लाना, ये आज के दिन का उद्देश्य है। और ये आज आयोजित करके बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि हमने तो सुबह अखबार पढ़ा, तो सुबह अखबार पढ़ते हैं, लेकिन हमें एक भी खबर दिखी नहीं कि आज सेरेब्रल पाल्सी डे है और मनाया जाएगा, कहीं देखा नहीं हमने। तो डॉक्टर साहब के यहाँ जब निमंत्रण आया तो बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम ऐसे सज्जन लोग हैं जो इस दिशा में सोच रहे हैं और काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत हमारा धन्यवाद है और धन्यवाद है। और इसके साथ ही साथ संजीव जी जो है और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, जैसे सोनभद्र में नगवा ब्लॉक आपका जो आदिवासी बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा, सोचिए आदिवासी बच्चे जो भी पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि पास में कोई स्कूल नहीं है, स्कूल है भी दूर दराज चल के जाएंगे तो फीस बहुत लंबी है, कुछ भी दे नहीं सकते, तो उन्हीं के द्वार पर स्कूल खोलकर और निःशुल्क शिक्षा देना ये एक बहुत बड़ी समाज सेवा है। इसके लिए भी हमारे डॉक्टर विद्या गणेश पांडे साहब को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद। और साथ ही साथ आपका जो दान केंद्र में हो रहा है प्रगति, वो भी दो फ्लोर आपने बताया कि जल्दी खुलने वाले हैं और शीघ्र पूरा हो, अच्छे से काम हो, यह मनाते हैं। और डॉक्टर साहब एक आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे, आप देखेंगे कि आप रिटायर्ड लोगों को जरा साथ में जोड़िए तो काम बहुत तेजी से चलेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस समय कितने लोग बैठे हैं, आप देखिए जो भी एक्टिंग सर्विंग लोग थे सब चले गए, कुछ ना कुछ काम है, तो वो लोग ज्यादा टाइम ना दे पाएंगे, टाइम हम ही लोग रहे। हाँ तो आपको हम तो भाई यही है, ऐसे मैन ऑफ कॉमन प्रोडेंस हम तो यही कहेंगे कि आप थोड़ा एक ऐसी फौज तैयार आर्मी ऑफ रिटायर्ड पीपल, सभी को मिलकर करना, ये आर्मी बहुत काम की है क्योंकि इसके पास भरपूर समय है, सबसे बड़ी बात। और यही नहीं, अगर जहाँ तक पैसे की बात करिए तो ये लोग सभी अपने जीवन के 35-40 साल दे के और जो भी है करके आए, तो ऐसा कुछ ये उसके लिए काम नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है, एक भावना जो है। तो आज के प्रोग्राम से भी जैसे परिलक्षित हो रहा है कि जो भी सर्विस जो होते हैं वो बार बार किए चलेगा, लेकिन जो रिटायर्ड हो गए जमे हुए हैं तो इनको जोड़ना है और सेवा के क्षेत्र में आगे आना है। आज के दिन का जो इस 2023 का सेरेब्रल पाल्सी दिवस है, इसका जो मोटो था वो था टुगेदर स्ट्रॉन्गर, साथ मिलके मजबूती से चलना है। तो यही गोल होता है, इस दिवस को मनाने का ही गोल होता है कि जो बच्चे हैं इससे सफर कर रहे हैं, ये ब्रेन कंडीशन होती है जो पैदा होने के पहले या पैदाइश के टाइम या पैदा होने के जस्ट बाद डेवलप हो जाता है अगर सावधानी ना दें। फिर डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई कि अगर डॉक्टर बोलते हैं कि जैसे सीजरियन करना है तो उसकी बात को सुनना चाहिए, क्योंकि जबरदस्ती नॉर्मल उसके चक्कर में पड़ा है बिना मतलब में कोई अगर ऐसी चीज़ हो गई तो जिंदगी भर खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये बड़ी अच्छी बातें बताई, तो ऐसे पूरे समाज को समुदाय को साथ लाना, यही इस दिवस का उद्देश्य, साथ लाकर उनको एक एहसास दिलाना, एक फील कराना कि नहीं आप सब तो एक साथ नहीं है और समाज भी आपके साथ है। तो जिन लोगों ने आज हमारे जो भी साथियाँ बैठे हुए इतना समय दिया इन बच्चों के प्रोत्साहन के लिए, उनके जीवन की बेहतरी के लिए, उन सबको मेरा दिल से धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, थैंक यू।